सुप्रभातम बच्चों, पुनः पहले की तरह फिर आज सप्तमी कक्षा में उपस्थित हुए हैं, जिसमें तुम लोगों को अभी मैं क्या धातु रूपानी के बारे में समझाएं, जिसमें तीन लकार हम लोगों का खत्म हो चुका है। अब चौथा लकार जो है वह है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक शब्द। आज्ञार्थक शब्द को हम लोग कहते हैं आज्ञार्थक शब्द को हम लोग कहते हैं आज्ञा प्रदान जो किया जाता है, ठीक है, उसी पर ये लकार जो है दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस लकार का हम लोग परिभाषा लेंगे, जिससे आज्ञा प्रदान की जाए उसे आज्ञा प्रदान की जाए उसे लोट लकार कहते हैं। जहाँ पर आज्ञा प्रदान की जाती है ना, वहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए, लोट लकार का प्रयोग करना चाहिए। यथा एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं सह पठतु तू तम अंतु इसका होता है प्रत्यय, ठीक है, तो पहला नंबर में हो जाता है सह पठतु। इसके बाद इसको हम लोग पहचान में लेंगे, पहचान जिससे आज्ञार्थक शब्द। कहने का मतलब हुआ, जहाँ पर आज्ञा जैसे तुम पढ़ो, तुम खाओ, तुम जाओ, तुम हंसो, तुम बोलो आदि आदि, ऐसा जो शब्द है उसको हम लोग लोट लकार में लेते हैं। पुनः इसको हम लोग फिर करते हैं क्या, ये पहचान तो हो गया आज्ञार्थक शब्द जो होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे जो इसका क्या प्रत्यय होता है लोट लकार का। इसमें हम लोग लिखेंगे प्रत्यय या, ठीक है। तो पुनः उसी के तरह चलेंगे, पुरुष एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। इसमें प्रथमा मध्यमा और उत्तमा, प्रथमा मध्यमा और उत्तमा। इसमें जब हम लोग लिखेंगे प्रत्यय में तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे तू ताम अंतु और तम तो। इसके बाद आ जाता है आनी आव और आम।
तो बच्चों ये हम देख लिए जो इसका जो प्रत्यय होता है तू तम अंतु ओ तम तो ओनी आव आम। अब इसको जैसे फिर हम लोग देखेंगे इसका जो नियम है तरीका है उसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं कैसे समझते हैं उसको हम लोगों को देखना है जो कि किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं समझते हैं। ठीक है, इसीलिए अब हम लोग देखें जो पहचान, इसके बाद क्रिया का शुद्ध रूप, इसके बाद नियम। नियम धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय, इसमें फिर हो जाता है पुरुष क्रिया का जब हम लोग शुद्ध रूप बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे क्रिया का शुद्ध रूप, क्रिया का शुद्ध रूप, क्रिया का शुद्ध रूप, इसमें पुरुष पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम उत्तम एकवचनम एकवचनम द्विवचनम द्विवचनम बहुवचनम वचनम। अब प्रथम में हो जाता है जैसे रूप बनाएंगे तो लिखेंगे पठतु पठतु पठताम पठताम पठन्तु पठन्तु पठ पठ पठतम पठतम पठत पठत पठानी पठानी पठाव पठाम पठानी पठाव पठाम। ये बच्चों लोट लकार का तुम लोगों का पूर्ण रूपेण से हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं जो फिर लास्ट वाला जो लकार है लट लकार उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं लिख लेते हैं। ठीक है, तो पितृलिंग लकार तो बच्चों विधिहीन लकार के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है जो विधिहीन लकार क्या है किसे कहते हैं उसी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं फिर हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। और विधिलिंग लकार विधि लिंग लकार विधि विधि लिंग लिंग लकार इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चाहिए के अर्थों में चाहिए के अर्थों में। अब आ जा इसको हम लोग फिर कहते हैं बाई एडवाइस बाई एडवाइस। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग परिभाषित करेंगे जो विधिहीन लकार किसे कहते हैं जिससे जिससे एक दूसरे जिससे चाहने का अर्थ प्रकट हो चाहने या होने होने का
बोध प्रकट हो उसे उसे विधि लिंगलाकार कहते हैं। विधि लिंग लाकार कहते हैं। पहचान इच्छा प्रकट करने के अर्थों में इच्छा जिसे चाहने या होने चाहने या चाहने या इच्छा होने का बोध प्रकट हो उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। पहचान इच्छा होने के अर्थों में इच्छा प्रकट होने के अर्थों में ठीक है बच्चों। अब इसमें लिखेंगे जो विधि लकार का प्रत्यय है विधि लकार का प्रत्यय। अब इसमें है बच्चों जो हम लोग देखे हैं जो क्या विधि लकार में जो है वह है एत एत एताम। पहले लिखेंगे जो प्रत्यय यहाँ पर लिखेंगे पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम मध्यम उत्तम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम बहुवचनम। इसके बाद प्रथम में आ जाता है एयम इसी में हो जाता है जो क्रिया का जो प्रत्यय हो गया विधि लकार का जो प्रत्यय हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे विधि लकार का इसका जो शुद्ध रूप होता है क्रिया का उसको हम लोग बनाएंगे या धातु क्रिया या धातु का जो शुद्ध रूप बनेगा उसको हम लोग पुनः बनाते हैं। जैसे मान के चलो जो इसका पहले हम लोग प्रत्यय लेते हैं इसका जो है नियम में आ जाता है धातु प्लस प्रत्यय इसका क्रिया का शुद्ध रूप
का शुद्ध रूप इसमें पुरुष प्रथम मध्यम उत्तम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम अब इसमें जब हम लोग बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, जैसे पठे पठेताम पठेत पठेताम पठेताम पठेयु पठेयु पठ पठ पठे पठेतम पठेतम पठे पठे तो पठे इसको पठेयम पठेयम पठेव पठेव पठेन। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग देखें पठेत पठेतम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेन। इस प्रकार से हमारा जो विधि निराकार का जो शुद्ध रूप है वह प्राप्त हो जाता है, बन जाता है बच्चों। फिर आगे का जो क्लास होगी उसमें हम आगे उपस्थित हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।